ट्रांसमीटर यहाँ पे इस और इसके अंदर तीन चार तरीके के अलग अलग को डॉक्यूमेंट में देख। हाय गाइस, आज हम ओपन करेंगे इस Digitech के वायरलेस माइक का मॉडल नंबर है DWM104। तो हम कुछ भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या आता है। Digitech के वायरलेस माइक के अंदर ये नया मॉडल आया है, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वायरलेस माइक जो आया है इसका इसके सारे मैं पहले इसके एसेसरीज निकाल रहे, तो काफ़ी सारी एसेसरीज है, जैसे कि हम GoPro खरीद रहे हैं ऐसा लगता है हमें। ठीक है, इसके माइक देख सकते हो आप तीन अलग अलग तरीके के, इसलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है और सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। इसके अंदर एक वो पफ आता है विंड पफ, और इसके अंदर सारी केबल्स आती है जिससे आप अपने कैमरे या कोई भी अलग अलग स्मार्टफोन हो या आपके फ़ोन में टाइप सी केबल ना लगती हो, उस तरीके का भी इसमें दे रखा है प्रोविज़न। ठीक है, तो दो अलग अलग इसके अंदर विंड पफ आते हैं, देख सकते हो आप, ये बहुत अच्छी बात है, हमें अलग से लेना नहीं पड़ेगा। और ये टाइप सी केबल है, डायरेक्टली हम टाइप सी फ़ोन में कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर मॉनिटरिंग एयरफोन्स आते हैं, डायरेक्टली हम सुन सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, या कोई भी बंदा जो भी ये वायरलेस माइक से कुछ भी बोल रहा होगा तो उसकी आवाज़ डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं इसके थ्रू हम। ठीक है, तो इसकी अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये दो मिले हैं हमारे को। ठीक है, और इसके अंदर तीन चार तरीके के अलग अलग केबल्स है, और ये आईफोन का भी प्रोविज़न दिया हुआ है उन्होंने, आईफोन में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास आज एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में चेक करेंगे इसकी क्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल भी है फाइनली, जिससे हम रीसेट कर सकते हैं हम अपना डिवाइस कोई सा भी, जो अलग अलग देखो इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन रीसेट का, इस यहाँ से पिन डाल के आप रीसेट भी कर सकते हो। और अगर आपका कनेक्शन फेल भी हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट में देख के, आप गाइड में देख के आप दोनों को कनेक्शन पेयर भी कर सकते हैं इस इजेक्टर पिन के थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इसका डिज़ाइन, थोड़ा सा बड़ा है, पतला भी हो सकता था, हैवी कम है। ठीक है, तो इसके आगे मैं एक विंड पफ लगा देता हूँ। ठीक है, और अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करके देखता हूँ क्या इसमें क्वालिटी आ रही है क्या नहीं। ठीक, तो मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है रिसीवर अपने डिवाइस में, अब देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये नॉइस कैंसिलेशन ऑफ मोड है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं, जो म्यूट मोड है, इसके अंदर ऑन ऑफ बटन है, रीसेट बटन है, पेयरिंग बटन है। सबसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो है नॉइस कैंसिलेशन का बटन है, एरो है एक तरीके का। अब मैं ऑन कर देता हूँ, देखो कैसी आवाज़ आ रही है। तो मैंने ऑन कर दिया है नॉइस कैंसिलेशन, अब देखो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव आ रही होगी आवाज़। ठीक है, तो ये मैंने एक ही कनेक्ट करा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसी आवाज़ आई है। तो आपको अगर अच्छी वीडियो लगे या कुछ भी ऐसा लगे जो आपको बाइंग में इंटरेस्ट लगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको डिस्काउंट रेट पर भी खरीद सकते हो। तो